इससे पहले एक बड़ी खबर बताऊं आपको, और बड़ी खबर असम से है। कोरोना संकट के बीच एक और आफत आई है देश में। नॉर्थ ईस्ट के में भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 6.4 इनकी तीव्रता मापी गई है। असम का सोनितपुर भूकंप का केंद्र था। झटके कई मिनट तक महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बिहार और बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए एक और तस्वीर, भूकंप ने कैसे नुकसान पहुंचाया है यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं असम से। और अब यहां एक और तस्वीर जहां पर भूकंप की वजह से इस इमारत में काफी नुकसान हुआ है। आप देखिए कैसे छत उखड़ गई, कैसे वहां पर इमारत को नुकसान पहुंचा, कैसे वहां पर चीजें टूट गई, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक इमारत से तो तस्वीर आई जहां पानी की पाइपलाइन ही फट गई और इमारत में कमरों में पानी गिरने लग गया छत से। एक जगह तस्वीर आई जहां बिल्डिंग झुक गई। दूसरी बिल्डिंग ना होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ जगहों पर दीवारें गिरी हैं, ऐसी खबरें भी हैं। तो ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि इस भूकंप ने नुकसान पहुंचाया है। गनीमत है, राहत है, अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन 6.4 जो कि ठीक ठाक तीव्रता का भूकंप माना जाता है, इस पर बात करने के लिए पीके मिश्रा सर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मिश्रा सर, 6.4 कैसे देखते हैं इस भूकंप को और कैसे इसको आप इवेल्युएट करते हैं? नमस्कार। ये जो चीज नॉर्थ ईस्ट में हुआ अभी, ये सेंटर था सोनितपुर में, ये तेजपुर से थोड़ा आगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जगह मैंने बहुत देखा हुआ है। और जो एनडीएमए का जो बटालियन है गुवाहाटी में स्थित है, ये बटालियन भी मैंने रेस किया था। और ये जो रेक्टर जो है ये 6.4 से 6.7 तक भारी कर रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। 6.4 या 6.7 ये सुबह 7:30 बजे जो आज हुआ, उसके बाद दो बार और भी हुआ। जी ये जो पहले बार जो हुआ उसके बाद जो सेकंड टाइम हुआ उसमें लोग बहुत भयभीत हो गया। और उसके बाद एक थोड़ा सा फिर उसके बाद तीसरे बार भी हुआ गुवाहाटी में, गुवाहाटी एरिया में। लास्ट वीक में 2.5 रेक्टर का एक हो चुका था। वो एरिया नॉर्थ ईस्ट का जो है वो उसमें आस्पेक्ट होता रहता है, लेकिन अभी जो रेक्टर में हुआ 6.4 से 6.7 तक ये ऑसिलेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जो जान माल का खतरा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्डिंग्स को क्षति हुआ है। जान का कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन बताने के लिए जो है कि वहां पर जो है हमारा एनडीएमए का बटालियन मौजूद है और वहाँ का आसाम गवर्नमेंट और एनडीएमए एनडीआरएफ बहुत जल्दी मदद के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर हमारे पास भी नहीं आई है पीके मिश्रा सर। और इसके अलावा अभी जो हमारे पास जानकारी एक और है कि सर्बानंद सोनोवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया है मदद का, और उनसे जानकारी भी ली है नुकसान की। पीएम मोदी ने असम के लोगों की सुरक्षा के लिए कामना भी की है। मैं सीधे चलता हूँ रविशंकर दत्ता के पास। बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बिहार में भी महसूस किए गए हैं। रविशंकर, बंगाल से क्या जानकारी है या आसपास के इलाकों से और क्या जानकारी है? देखिए, आज करीब 7:30 बजे सोनितपुर में जो अर्थक्वेक हुआ, पूरा नॉर्थ ईस्ट को उसने इसका झटका लगा है। 6.4 का मैग्नीट्यूड था, उसका बाद 3 आफ्टर शॉक आए जो कि 4.4 के थे। और पूरा आसाम इसमें आसाम को नुकसान पहुंचा, जैसे कि आप बता रहे थे। कुछ इमारतें हिल गए हैं, पानी की पाइप फट गया है, दीवार में फटा दिखाई दे रहा है ऐसे। लेकिन अभी तक राहत की सांस ही है। अभी तक जो खबर है, किसी की मौत अभी तक नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी नॉर्थ के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब जगह में ये झटका महसूस किया गया। साउथ 24 परगना में ये झटका महसूस किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई नुकसान का खबर अभी तक नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन गनीमत है कि जान माल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है और ऐसा ही रहे। लेकिन पीके मिश्रा सर, क्योंकि 3 शॉक लगे हैं, 2 आफ्टर शॉक भी लगे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है जो हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, तो आप क्या लोगों को सलाह देंगे इस वक्त, वो क्या करें? पीके मिश्रा सर, आवाज आ रही है आप तक मेरी? लग रहा है आवाज नहीं आ रही। मैं विक्रम सर से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। विक्रम सर, देखिए ऐसे तो स्थिति का आपने भी देखी होंगी अपने करियर में, ऐसे में लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
पैनिक न करें, प्रशासन से के साथ समन्वय करें और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सिविल डिफेंस और अन्य जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनका सहयोग लेकर के जनता की जो भी मदद हो सकती है, क्योंकि दवा, हॉस्पिटलाइजेशन, पैनिक को दूर करना, अफवाहों के ऊपर नियंत्रण करना, विशेषकर व्हाट्सएप के ऊपर जो अफवाह फैलती है ऐसे मौके पे, और काला बाजार करने वालों के और ऐसे मौके पे अपराधिक कृत्य करने वालों के ऊपर पुलिस प्रशासन की नजर रहनी ही चाहिए। लेकिन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, पहले आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था अब तक किसी मौत का समाचार नहीं आया, संतोष का विषय है, लेकिन इसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस होने चाहिए। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ, आपने बड़ी अच्छी सलाह दी है। मुझे लगता है कि असम के लोग या जहां भी भूकंप के का अंदेशा है वो लोग इस, और वही क्यों, सभी लोग इस बात को फॉलो करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दोहरे संकट में अब यहां पर आगे क्या, कैसे इन चीजों को हम देखें, इस पर बात करते हैं। पीके मिश्रा सर आपका बहुत शुक्रिया, रविशंकर आपका शुक्रिया, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।